पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर इकाई के तत्वावधान में गुरुवार को बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बुधवार गोष्ठी का आयोजन पंचायत भवन मुरादाबाद में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर रहे। गोष्ठी की शुरुआत अतिथियों का स्वागत करके की गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अमृत काल में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे स्वर्णिम बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान से लेकर मध्य वर्ग के लिए लाभकारी है। आदिवासी, दलित, ओबीसी सभी वर्गों के लिए इसमें व्यवस्था है। मंच पर बोलते हुए राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ये बजट भारत के विकास को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। बजट में जरूरतमंदों को मिलने वाले मुफ्त खाद्यान्न को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों समेत पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनना सौभाग्यशाली है। कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थिति थी, तमाम परेशानियों के बावजूद, विपक्षी दलों की रुकावटों के बावजूद भी पूरे देश को भी 2.20 करोड़ टीकाकरण उपलब्ध कराना पीएम के नेतृत्व का ही कमाल है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। रेलवे के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। माहौल उत्तर प्रदेश के वासियों को दिया और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज देश के अंदर 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में कहीं जाते थे तो जिस देश में जाते थे वहां के नेतृत्व ये सोचता था कि हिंदुस्तान से आए कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए। लेकिन आज मुझे खुशी है बताते कि आज देश का प्रधानमंत्री जब विश्व के किसी भी देश में जाता है तो सिर्फ हम लेने वाले नहीं, हम देने की स्थिति में है। और मुझे लगता है हर वो सच्चा हिंदुस्तानी जिसे अपने देश से प्यार है, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊपर किया। ये G20 की अध्यक्षता मैं कह सकता हूं कि विश्व गुरु बनने की तरफ हमारा अतुला कदम। हम पहले भी विश्व गुरु थे लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि 14 से पहले यह देश विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जल्दी विश्व की 3री अर्थव्यवस्था हम लोग बने। जब स्वच्छता की बात आती थी, देश के बारे में हम सफाई की बात करते थे तो सिर्फ एक ही ध्यान आता था कि ये वर्ग विशेष का काम है, सफाई करना सिर्फ एक वर्ग की जिम्मेदारी है। लेकिन देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब झाड़ू उठाया तो मुझे लगता है हिंदुस्तानी को लगा कि नहीं, देश हम ये सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई श्यामधारी मिश्रा जी, कमल जी, अज्ञान जी, मंचासी नथुराम कश्यप जी, विशाल त्यागी जी, जिस प्रांगण में मौजूद सभी प्रबुद्धजन, सम्मानित डॉक्टर्स, सम्मानित गुरुजन टीचर्स, सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, सम्मानित व्यापारीगण, महिलाएं, युवा शक्ति और सम्मान्य सभी सीनियर सिटीजन, आज इस बजट संगोष्ठी पे आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। आज उन्हें सुमंत तोमर जी को हम लोग आज यहाँ सुनने आए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना कीमती वक्त आज मुरादाबाद के लिए दिया। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आज की सभा की समाप्ति। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।